जब आप यहाँ हाई हिल होटल आते हो तो आप इसके पास, अगर मैं घूमने की जगह आपको बताऊँ तो लोखंडी इज़ वेरी फेमस फॉर स्नो। आपको बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फ मिलेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे धूप कम आती है या नहीं आती है, तो वहाँ बर्फ बहुत टाइम तक जमा रहता है स्नोफॉल के बाद। उससे थोड़ा आगे अगर आप जाते हो तो देर इज सम जंगल, उसके आगे गांव है कोटी, जहाँ आप देख सकते हो कि पहाड़ों में कैसे लोग रहते हैं, कैसे फसल उगाते हैं, क्या उनका खाना पीना है, तो आप कोटी जाके वहाँ पे देख सकते हो। उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो अगर देखना है तो उसमें मैंने थोड़े बहुत फुटेज डाले हुए हैं। होटल हाई हिल का यही एक स्पेशलिटी है कि वो सिटी से दूर है, बाजार से दूर है, काफ़ी शांत है। इवन अगर आप सामने एक रोड देख रहे होगे जो सिल्वर लाइन है, वहाँ पे भी अगर कोई बात कर रहा है तो यहाँ तक सुनाई देता है, बिकॉज इट्स वेरी काम एंड साइलेंट। हम इसीलिए हमने ये डेस्टिनेशन लिया था ताकि हम भीड़ भड़ाके से दूर और शहर के शोर से दूर हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए। काफ़ी सारे रूम हैं ऑन फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको रिसेप्शन और किचन मिलेगा, किचन एरिया, जहाँ पे आप डाइनिंग कर सकते हैं। और उस यहाँ पे जिससे मैंने ऑनलाइन जब बात की थी तो मिस्टर सुजीत थे जिनसे मैंने बुकिंग करवाई थी, सो मैंने उनको पेटीएम किया था। चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स मैनेजेबल। जो मुझे कॉस्ट पड़ा था इट वाज अराउंड 2500 फॉर पर नाइट, और उसमें फूड इंक्लूड था जो उन्होंने जो मुझे दिया था फेस्टली, बिकॉज ये अभी प्रॉपर पीक सीजन में नहीं आता। इट्स अ काइंड ऑफ फार्म हाउस विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसमें आपको लग्जीरियस होटल की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जैसे आप सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा एक लग्जीरियस होटल फैसिलिटी हो, वैसा नहीं है। इट्स अ फार्म हाउस, इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप जिसमें आप आके यहाँ का शांति और यहाँ का वेदर एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ बालकनी से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, नॉट फार फ्रॉम द रोड। आप जो मेन रोड से आ रहे हैं वो मेन रोड ही आपको डायरेक्ट यहाँ से एक छोटा सा रूट करता है विच इज़ लाइक 100 मीटर, और ये रोड सीधा आपको लेके आ जाएगा होटल हाइल तक। और रोड अभी बन चुके हैं। बीच में जब मैं गूगल यूज़ कर रहा था रोड्स के लिए तो मुझे काफ़ी सारे डाइवर्जन दिखा रहा था गूगल कि इस रूट से चले जाओ, शॉर्ट होगा, इस रूट से चले जाओ। बट आई स्पोक टू द लोकल पर्सन और उन्होंने बताया कि नहीं, आप सीधा जो रोड चल रही है, पक्की रोड चल रही है, वो पकड़ के आप सीधा जाओ, बिकॉज अगर आप डाइवर्टेड रूट लेते हो तो मे बी आप हिल्स पे जाके कहीं वो रोड ख़त्म हो जाएगा। सो जब भी आप यहाँ आ रहे हैं तो कीप ट्राई कि आप मेन रोड जो चल रहा है इसका वो रोड से ही आते जाइए, फिर आप ये डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे विदाउट एनी इश्यूज। यहाँ पे बाहर काफ़ी एम्पल स्पेस है जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो अपनी गाड़ियाँ। अगर ग्रुप में आते हो तो बहुत ही मज़ा आएगा, रात बॉनफायर लगा के आप एंजॉय कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक कल रात का जला हुआ था जहाँ हम बैठे हुए थे। इजी एक्सेस है, बाइक से आप आराम से आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड पे बस थोड़ा ध्यान रखना होता है बिकॉज इट्स हिल्स। कार से भी अच्छा है, इफ़ यू लव अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइड देन डेफिनेटली यू शुड कम हियर। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा अंदर दिखाता हूँ कैसा है। सो दिस इज़ द मेन वे जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। ये रात को ये डोर बंद हो जाता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये वो गैलरी है, ये नीचे के रूम्स हैं। यहाँ पे आपको दो लोग जो यहाँ मैनेज कर रहे हैं आपको हेल्प करेंगे यहाँ रहने में हर तरह की फैसिलिटी के लिए। वन इज हिज नेम इज पप्पू, अनदर पर्सन इज दिलजीत, दोनों लोग आपको हेल्प करेंगे। ये है यहाँ का रिसेप्शन जहाँ जो ये आप नंबर देख रहे हैं ये सारे रूम के नंबर हैं, 20 रूम्स हैं। वहाँ बेल करने पे यहाँ पे लाइट ऑन हो जाता है। यहाँ इंटरकॉम की फैसिलिटी नहीं है, टीवी है बट काम करता है नहीं करता है, डिपेंड्स। अभी हम तो आए तो हमारे लिए तो रिचार्ज नहीं हो पाया था, सो इट वॉज़ इशू, बट इट्स ओके इफ़ यू इन्फॉर्म पहले से, मे बी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। आइए किचन देखते हैं, दिस इज़ डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप आके डाइनिंग कर सकते हो। वॉश बेसिन है, यहाँ पे बुफे लगता है, अगर ग्रुप में आ रहे हो तो आपका बुफे लगेगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट आपको सर्व भी करते हैं। दिस डोर गोज टू किचन डायरेक्टली, इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट एरिया फॉर देम। सो वो है, यहाँ एक वॉशरूम है अगर आप नीचे जाना चाहते हो। टाइम हो रहा है 10 और हम आज मसूरी जा रहे हैं, सो इट्स अ डे फॉर अस और लिविंग दिस प्लेस, बट इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस। हमने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे, और एम्पल स्पेस है, स्पेस का बिल्कुल कमी नहीं है।
और सन भी ईस्ट डायरेक्शन आपको जो बालकनी से है वो है। सो अगर आप विंटर में आते हो तो शायद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको बता रहा था कि फूड के बारे में, अगर फूड के लिए जब आप आ रहे हैं तभी उसके एक दिन पहले ही आप डिस्कस कर लें, फूड आप इनको बता देंगे वही फूड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी चॉइस मैटर करती है यहाँ पे, आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन, बहुत फूड आर अवेलेबल। पीपल आर वेरी नाइस, स्टाफ इज़ वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल। ब्रेकफास्ट अराउंड 9:00 to 10 आपको मिल जाएगा। आप बता दो उन्हें कि आपको क्या खाना है इन द मॉर्निंग, वैन फूड आपको रूम में भी मिल सकता है और फूड आप यहाँ भी आके डाइन कर सकते हो। सो ये आज का नाश्ता है, पोहा जो हमने रिक्वेस्ट किया था। सो वी आर ट्राइंग टू डू द पेमेंट बाय पेटीएम, लेट हिम फिगर आउट, एंड कैश का प्रीफर करते हैं, कैश में पेमेंट, बट अगर पेटीएम से हो जाता है देन इट्स वेल एंड गुड। हेलो, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, हम सेकेंड फ्लोर पे स्टे कर रहे थे। ये जो डोर है यहाँ पे, ये अपने सामान रखते हैं होटल का। होटल के रूम्स वेल प्रोटेक्टेड है, नेट लगा हुआ है, नेट के पीछे डोर है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कीज नहीं है, लॉक एंड की यूज होता है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ, तो इससे अंदर लॉक एंड की डोर, देन देयर इज अ स्पेस, देन दिस इज अनदर डोर, और यहाँ पे है 3D पेंटिंग, टीवी है, वो बालकनी का डोर है, विंडो एंड पेंटिंग्स एंड वॉशरूम, एंड दिस इज अ बेड, देयर इज अ टेबल एंड बेड टेबल, देयर इज अ प्लग पॉइंट एंड अनदर मिरर। बाहर जाते हैं, डोर, देन नेट डोर, इसको ओपन करिए तो आप आ जाते हैं दिस, से आप आओ, चेयर यहाँ पे है प्लास्टिक के, यहाँ से आप देख सकते हो। सुबह और शाम को ये व्यू बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब चलते हैं अंदर। अंदर जाने पे दिखाता हूँ मैं आपको वॉशरूम, यहाँ पे एक डस्टबिन भी है छोटा सा, डोर, व्हेन यू एंटर देयर इज अ पॉट, गीजर, शावर, शावर में गर्म पानी ऊपर का नहीं आता है, नीचे हैंड शावर में आता है। यहाँ टॉवेल है, यहाँ एक टॉवेल और एक मिरर, वॉश बेसिन, अ गुड प्लेस, नाइस। सो दिस इज अ रूम, व्हेन यू कम यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस वीडियो। सो दिस इज हाई हिल होटल, और बस यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। थैंक यू, बाय।